हेलो वर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी वीडियो सीरीज में हम बात करते हैं जियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स की, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इस सीरीज की वीडियो आपको ट्यूजडे टू फ्राइडे 4 दिन देखने को मिलती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्विज नंबर 10, इसमें हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करेंगे। तो आप जियोलॉजी में ऑब्जेक्टिव टाइप के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हो, CSIR नेट हो, IIT जैम गेट या UPSC का कोई एग्जाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज काफी यूजफुल रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी एक ग्रुप ऑफ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका मेन फोकस रहता है जियो साइंसेज के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना, कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स की हेल्प करना और एम्प्लॉयमेंट न्यूज के बारे में एस्पिरेंट्स को अवेयर करना। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज में इंटरेस्टेड है तो एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब के अलावा जो इसका फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल है, इनके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर आप जियो साइंस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो geolovers247@gmail.com पे आप हमें लिख सकते हैं। इस सीरीज में लेक्चर्स का जो पैटर्न रहता है उसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। अब हम इसमें मेरे हिसाब से 3 मेन कंपोनेंट हम रखेंगे। सबसे पहले हम वन लाइनर डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे प्रीवियस क्विज होते हैं उनका रिवीजन हो जाता है। उसके बाद हम आज का क्विज डिस्कस करते हैं, आपको क्विज को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, आंसर्स को मैच करके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है। ओके, तो इस पैटर्न में जो प्रीवियस क्वेश्चंस वाला सेक्शन था और जो अपेंडिक्स वाला सेक्शन था वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि प्योरली जो है क्विज के ऊपर फोकस रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो सेक्शन ऐड होने चाहिए और कोई सेक्शन इसमें ऐड होना चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर के साथ। सबसे पहले पॉइंट में ये बात की गई है कि अगर हम बात करें लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स को जब हम स्टडी करते हैं, जैसे माउंटेन है या कॉन्टिनेंटल मार्जिन को अगर स्टडी करें, तो उनकी डिटेल स्टडी कहलाती है जियोटेक्टोनिक्स। तो ये जियोटेक्टोनिक्स जियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसमें जैसे प्लेट टेक्टोनिक का कंसेप्ट हो गया, या जो लार्ज स्केल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनकी स्टडी जो होती है, उनका ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन और एसोसिएटेड जो कंसेप्ट होते हैं उन सबको मिला के हम जियोटेक्टोनिक्स बोलते हैं। आगे बात की जाए डायस्ट्रम के बारे में, डायस्ट्रम जो है एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन में एक ब्रेक, ठीक है, जिसमें जो सेडिमेंट्स टाइप है वो भी चेंज होता है। ओके, तो इसके लिए डायस्ट्रम एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे ओनलैप के बारे में बात की जा रही है, ओनलैप उसको बोलते हैं जब स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो कि सक्सेसिव बेड जो है वो फर्दर एक्सटेंड जब करती है तो उसके मार्जिन पे आपको अंडरलाइंग बेड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो ओवरलाइंग बेड है वो पार्शली लाई करती है ओल्डर बेसमेंट के ऊपर। ओके, तो आप उसको उस तरीके से समझ सकते हैं। तो ओनलैप एंड ओफलैप ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। जो ओफलैप है वो रिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और जो ओनलैप है वो ट्रांसग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको आप RG पार्क की बुक है उसमें से इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बात की जा रही है ट्रू डीप के बारे में, तो ट्रू डीप जो है वर्टिकल प्लेन में मेजर की जाती है परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक। ओके, तो ट्रू डीप और एपरेंट डीप का जो कंसेप्ट है उसमें से भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात अपरेंट डीप के बारे में की जा रही है, तो अपरेंट डीप जो होती है वो परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक डायरेक्शन को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो जो स्ट्राइक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर की जाती है बिल्कुल परपेंडिकुलर, उसको हम बोलते हैं ट्रू डीप। और इस ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के अलावा जिस भी डायरेक्शन में आप डीप मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे अपरेंट डीप, इस तरीके से। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बात की जा रही है कि लीनियर स्ट्रक्चर्स को जब ओरिएंटेशन मेजर करते हैं तो उनको प्लंज या पिच की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे फिर बात की जा रही है आउटलायर एक टर्म होती है जिसमें कि क्या होता है जब यंग रॉक हैं वो कम्प्लीटली सराउंडेड होते हैं ओल्डर रॉक्स के द्वारा। ओके, तो उसको हम बोलते हैं आउटलायर। और एक दूसरा होता है इसके अपोजिट इनलायर्स। ओके, तो इनलायर्स में क्या होगा जो ओल्डर रॉक है वो सराउंडेड होगी यंगर रॉक्स के द्वारा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बात की जा रही है फॉल्ट के बारे में, तो फॉल्ट हम तभी बोलेंगे जब एक हमें ऑब्जर्वेबल डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है। तो फ्रैक्चर्स तो जस्ट एक जनरल टर्म होगी, जब फ्रैक्चर्स इस तरीके से हो कि उसके बीच में हम डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर सकें या मेजर कर सकें तो हम उसको फॉल्ट बोलेंगे। और आगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के बारे में बात हो रही है, तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को रेंच टीयर या ट्रांसकरंट फॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव जो सिमिलर टर्म्स होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार उसके बेस पे भी क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। अगर आपको उसकी जो रिलेवेंट टर्म है उसका अगर नहीं पता है तो उससे भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है, तो आपको रिलेवेंट टर्म को भी
स्टडी करके चलना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि क्विज है, और क्विज को मैं इस फॉर्मेट में रखता हूँ। इस फॉर्मेट का एक बेनिफिट ये है कि जब आप इस फॉर्मेट में क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो फिर जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है कि अगर हम बात करें फोल्ड प्लेन और वर्टिकल के बीच में अगर हम एंगल की बात करें, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। आगे बात की जा रही है कि अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें डीप स्लीप फोल्ट के केस में तो उसको क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है कि वो लीनियर स्ट्रक्चर्स जो कि बनते हैं ग्रोथ ऑफ फाइबरस मिनरल्स जैसे कैल्साइट हो गया, क्वार्ज हो गया, उसको एक पर्टिकुलर जब उनका अलाइनमेंट हो जाता है और उनकी जो लॉन्ग एक्सिस है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे फोल्ट की हम बात करें तो इस तरीके से बनने वाले लीनियर स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। आगे बात ये की जा रही है कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ डीप की बात करें, जब ये डायरेक्शन ऑफ डीप टुवार्ड्स डाउन थ्रोन साइड होगी तो उस फोल्ट को क्या कहा जाएगा। ओके, तो वो यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सा फोल्ट होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ डीप बता दिया है, डाउन थ्रोन साइड है। क्वेश्चन नंबर 15 में बात की जा रही है कि स्ट्राइक स्लिप फोल्ट में अगर अपोजिट ब्लॉक लेफ्ट मूव करें तो उस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है, तो इसकी भी एक स्पेसिफिक टर्म है तो वो आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया है कि अगर एक्सट्रीमली क्रस्ट रॉक हैं जो कि कंपोज्ड हैं ब्रोकन फ्रैगमेंट्स के द्वारा और डार्क कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और उसका जो मैट्रिक्स है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ग्रेन के हैं तो उस मटेरियल को क्या बोला जाएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में आपको उसका आंसर नजर आ जाएगा। आगे बात ये की जा रही है कि जब लो एंगल रिवर्स फॉल्ट है उसको क्या बोला जाता है और जो लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी कॉमन टर्म्स हैं, आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। आगे बात की जा रही है स्मॉल फॉल्ट के बारे में जिसमें कि जो डीप होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी मेन सेट के, तो उस स्मॉल फॉल्ट को क्या बोला जाएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा गया है कि अगर हम टेक्टोनिकली डिस्टर्ब एरिया की बात करें जो डिप्रेस्ड ब्लॉक होगा और नॉर्मल फॉल्ट के द्वारा बाउंडेड हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। आगे बात की जा रही है डाइवर्जेंट रीजन के बारे में, तो डाइवर्जेंट रीजन किस टाइप के फॉल्ट के द्वारा करेक्टराइज होते हैं या किस टाइप के फॉल्ट वहाँ पे कॉमनली मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आपको आंसर देना है, और जैसे ही मैं आंसर बताता हूँ अपने आंसर्स मैच करने हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए, अब आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसका आंसर हो जाएगा हेड, 12th का हो जाएगा थ्रो, 13th का हो जाएगा सिलिकन फाइबर्स, 14th का हो जाएगा नॉर्मल फॉल्ट, 15th का आंसर रहेगा सिनिस्ट्रल, तो उस मूवमेंट को सिनिस्ट्रल बोलते हैं। आगे बात की जा रही है अल्ट्रा माइलोनाइट के बारे में, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा थ्रस्ट और इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा लॉग्स। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा एंटीथेटिक्स, एंटीथेटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया ग्रेबन, और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर हो जाएगा एक्सटेंशनल फॉल्ट, ठीक है। तो ये थे आंसर्स, आंसर्स को मैच करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको वन लाइनर की फॉर्म में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था छोटा सा डिस्कशन, आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, बट डिसलाइक करने का रीजन आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियोस को इंप्रूव किया जा सके। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जेपी बनवाला के नाम से मेरी फेसबुक पे आईडी है, फेसबुक के अलावा टेलीग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ। ये सारे लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप आसानी से जुड़ सकें। तो वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एक दूसरे की हेल्प करके चलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी, जय हिंद।